हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का बस एक ही रीजन है कि भाई मैंने फौदा इजरायली टीवी सीरीज देखी थी और वो शो मुझे अच्छा लगा था। वो एक अलग तरह का टीवी शो था। हालांकि इससे पहले मैंने इजरायली कोई भी शो नहीं देखा था और फौदा मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले आप लोगों को रिकमेंड किया था, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम पे मेरा वीडियो नहीं देखा था और आज भी कोई नहीं देखता है। खैर, इस पर्टिकुलर शो की बात करें तो इसका नाम हिट एंड रन। ये आपको हिंदी में देखने को मिलता है, नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज हुआ है। 9 एपिसोड से, जिसके हर एक एपिसोड 39 मिनट से लेके 54 मिनट्स के बीच में ही है। और शो की कहानी, जैसे कि आपने टाइटल को देख लिया होगा हिट एंड रन, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शो में हमें नजर आता है सेजेफ, जो कि एक टूर गाइड है। सेजेफ की एक बेटी भी है। सेजेफ अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऑफ आता है। सेजेफ को मिलती है डैनियल, जो कि एक डांसर होती है। अब डैनियल और सेजेफ की हो जाती है शादी। शादी के बाद डैनियल न्यूयॉर्क जा रही होती है एक ऑडिशन के लिए, तभी रास्ते में उसका हो जाता है कार एक्सीडेंट। अभी कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है उसको जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। शो की जो एक चीज जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज्यादा खटकेगी कि भाई जब तुमने किसी शो को हिंदी में डब किया है, उसके अंदर इतनी हीब्रू लैंग्वेज क्यों घुसा है। मतलब डब करो तो पूरी तरह से डब करो ना, ये क्या है। मतलब थोड़ा सा पोर्शन आपको हिंदी में सुनने को मिलता है, फिर मैक्सिमम पोर्शन आपको हिब्रू लैंग्वेज में सुनने को मिलता है, तो वहां पर सबटाइटल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यार, ये चीज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और ये चीज बहुत सारे लोगों को हटकेगी। ऑल दो इस शो का जो मेन प्लॉट है, उसके अलावा कुछ सब प्लॉट्स भी देखने को मिलता है, लेकिन जो कहानी है वो इससे पहले हमने बहुत सारी अमेरिकन मूवीज में या इंडियन कुछ मूवीज में भी देखा है, तो इसमें यूनिकनेस कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन है, उसको अगर अच्छा करते तो ये शो डेफिनेटली एक मस्ट वॉच हो जाता है। लेकिन फॉर मी, मैंने ये शो देखा क्योंकि मुझे उसका रिव्यू करना था, लेकिन एज एन ऑडियंस अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ तो IMDb पे इसको अच्छी खासी रेटिंग मिली है। लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये शो 9 एपिसोड डिजर्व नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा ये 5 एपिसोड में खत्म हो जाता, या तो फिर इसके जो क्रिएटर्स है वो लोग इस पर्टिकुलर कहानी को लेकर एक मूवी बना देते तो वो ज्यादा बेटर होता। लेकिन 9 एपिसोड तक इस सीरीज को खींचना रबड़ की तरह, वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं लगा यार। मतलब इतनी भी कोई अच्छी कहानी नहीं जिसको आप इतना खींच लो। और हद तो तब हो जाती है जब इसका सीजन 2 की भी तैयारी हो रही है। अब आप लोग सोचो, सीजन 2 क्या बोलूँ यार मैं। एक तरफ आप फौदा जैसी जबरदस्त शो बनाते हो, दूसरी तरफ आप हिट एंड रन जैसा शो बनाते हो, जहां पर ऑडियंस को ये समझ में नहीं आता कि पसंद करे या ना पसंद करे। कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन जितने भी उनको बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से किया है। सिनेमेटोग्राफी भी ठीक ठाक है, BGM भी अच्छा है। बट मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो ये शो को देखो, अदरवाइज आप लोग उसको स्किप भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे भी नमूने हो सकते हैं जिनको ये पर्टिकुलर शो पसंद भी आएगा, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने लाइफ के इतने आवर्स वेस्ट किया तो मैं नहीं चाहता कि आपके भी वेस्ट हो। लेकिन फिर भी आप उसको ट्राई करना चाहते हो तो देखो, स्टार्टिंग के 3 एपिसोड अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, इस मूवी में आपको कुछ न्यूडिटी के सीन्स, कुछ सेक्स सीन्स देखने को मिल जाएंगे, इस वजह से ये फैमिली साथ मत देखना। इस शो को मैं रेटिंग दूंगा 6 out of 10। डेफिनेटली मेरे लिए सीजन 2 नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसका सीजन 2 का भी रिव्यू करूंगा। अब देखते हैं कि नेटफ्लिक्स उसको रिन्यू करता है या नहीं, अब ऑडियंस के रिस्पॉन्स पे ही करता है। तो यार, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।